हाँ जी बोलो जी। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग करते हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। तो गुड गाइस पास्ता मॉर्निंग। हुआ लगा रहा है। हाँ जी गुड मॉर्निंग गाइस, टाइम बता देता हूँ, ये 2:03 हो गए हैं और ये है रात का समय। भाई पास्ता बन रहा है, सुबह की तैयारी चल रही। मैंने काकू ने सॉस कहा पर मम्मा कि मेरे को ना पास्ता खाना है, इतनी लेट बताया। शुक्र है पैकेट पड़ा हुआ था, तो सुबह सुबह लाके कहाँ से करते हो? कहते तो मुझे बताना था, वो भूल गया। एटो टाइम कहाँ से एक बंदा थोड़ी खरीद के तो भाई लाएगा रात सॉस को। सॉस मैंने बनाई थी तकरीबन 12:30 बजे, 1:15 बजे के आसपास। हाँ और फिर डॉली पास्ता उबालना भूल गई थी। अब पास्ता उबाला टाइम भैया क्योंकि मैंने सोचा कि पहले दो कहाँ बज के घूम कर चार लूँ। मिनट 28 तारीख 28 अक्टूबर 2:04 हो गए हैं। फोन की एक्साइटमेंट में भूल गई मैं। फोन आ गया ना इसका, तो इसलिए एक्साइटमेंट में ये वो तो फोन आप ही में बना रहे ब्लॉग, मेरे को टाइम आना का था, मैंने गलती कर दी। टाइम का पता ही नहीं लगा, बैठे 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 क्यों बैठे बातें कर रहे थे, चीजें चाय देख रहे पीते थे, रहे। इसलिए। हाँ चाय पीते रहे। तो गाइस पास्ता को बॉईल किया है बढ़िया सा, और ये देखो शाही गाइस आ गई देखो, ना, हाँ ये शाही आ गई मैंने। इतनी लेट कर सोने के बाद भी सुबह हमने उठ के काकू को भेज के अपना काम भी करना है। भाई और शॉप पे भी सारा दिन करने के बाद भाई काम, देखो आप कहते हो मेहनत, ये मेहनत होती है भैया, अब क्या करें अब इस नहीं चीज बीच के में लिए। टाइम था पर मुझे पता ही नहीं था, बताया होता तो मैं टाइम से करके रख देती, बट बना के थोड़ी वो रखती। तो एंड टाइम टेबल है फिर ना उसमें, टमाटो वाली में हमक सी आने लग जाती है, फायदे नहीं था। लोग सारे सो रहे हैं, हमसे हम ब्लॉग बना रहे हैं भैया। तो अच्छी बात है ना, सब सो रहे, धीरे धीरे ये बोल रहे हैं हम, मुझे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। ये कौन आया? सार्थ भाई साहब आए हैं, सार्थक, इसलिए कि उसकी सार्थ कॉलेज की छुट्टियां चल रही है, आराम तो से, वो थोड़ा काकू तो सो सा चुका मेरे होगा। फोन में पंगे लेके देखी जा रहा है कि मम्मा प्लीज मुझे दे दो, मम्मा प्लीज मुझे दे दो, आपको मिला है, मैं भी कुछ करूंगा। मैं कह तो कुछ नहीं, करेगा मैं कह देखूंगी, सोचने दे, वाले मेरे पास रहने दो, उसका सोचूंगी। तो गाइस बस इसको रखो जी, आओ फिर फटाफट। तो गाइस एक चीज मिलती नहीं है, पहले लुटेरे आ जाते हैं, दे दो दे दो। अब सुबह दिखाऊंगा सुबह कैसे बनाता हूँ मैं, सुबह सुबह पास्ता बनाऊंगा। अब चार कितने घंटे बाद, दो सॉस घंटे बनी पड़ी है, पास्ता उबला पड़ा है, फिर मिक्स करके चीज वगैरह थोड़ी सी उसमें मलाई वगैरह डाल देना, थोड़ी वो क्रीमी क्रीमी टेक्सचर आ हाँ 4 साढ़े 4 घंटे बाद पास्ता बन जाएगा, ये वाला रखते हैं उसको, जाएगा। ठीक है ना। और हाँ 6 साढ़े 6 बजे उठ जाना है फिर। मॉर्निंग गाइस, टाइम हो चुका है 6:30 और गली बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है। भैया लाइटें लगा दी साहब। पास्ता की बनाने की तैयारी है, ये है ग्रेवी। अब इसमें जाएगी मेयोनीज, तंदूरी मेयोनीज और कैचअप। एक चम्मच मलाई भी डाल दी मैंने। तो गाइस पास्ता डाल दिया, अब जाएंगी कैचअप मेयोनीज और तल के। पास्ता बनकर हो चुका है तैयार, एकदम बढ़िया सा। हाँ जी हो गया तैयार। गुड मॉर्निंग। पास्ता कैसा बना है? बहुत ज़्यादा अच्छा, सही बना है, टेस्ट करके दिखा रहा। फैंसी वाला फोक भी दे दिया है, सिंपल वाला फोक भी दे दिया है, घुमा के बताइए, कोई भी फिर सेट खराब हो जाएगा फैंसी वाले का, ठीक है ना। सुबह सुबह जाम देख लो, पूरा जाम है। बस आ गया काकू के स्टैंड पे, बस आने वाली है अभी थोड़ी देर में, लेट हो गई यार। ये पास्ता अलग तरीके से बन रहा है, काकू अलग तरीके से खाता है, सार्थक ऐसे अलग तरीके से खाता है। ये सार्थक के लिए बन रहा है और काकू के लिए बन के रख चुका था भैया, दोनों के अलग अलग हुआ है। अब ये हो गया, अब ये जा रहा है इसमें पास्ता। मेयोनीज, तंदूरी मेयोनीज, चीज़, और मैंने डाल दिया इसमें टमाटो केचप। अब करेंगे मिक्स, ये देखा उसके, एक के लिए अलग बनाओ पास्ता, एक के लिए अलग पास्ता बनाओ, तेरे दोनों लाडले अलग अलग तरीके से। ये भी पास्ता बनकर तैयार हो गया, क्या मस्त शाइन आई है और इसकी सॉस। तो गाइस ये देखो, मैं और रिशित आ गए हैं फ्रंटियर, पीछे बोर्ड हाजरा फ्रंटियर आ गए, जेल रोड वाला फ्रंटियर है। पापा ने बोला था कि यहाँ से थोड़ा बहुत सामान लाना है अब दिवाली के लिए, तो अब अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या सामान बोला उन्होंने लेने के लिए, फिर दिखाता हूँ आपको। तो गाइस हमने ले लिया है, ये देखो ये फ्रंटियर से सारा सामान खरीद लिया है। पापा ने बोला था बटर काजू, गोल काजू और रिच वनीला, ये सब देने को। अब मतलब क्या कहते हैं, दिवाली आ रही है तो देना वेना होता है, और मतलब यूज भी होते हैं घर में, तो फिर हमने ले। तो गाइस अब इसके बाद हम एप्पल के शोरूम भी आ गए हैं, अब यहाँ से क्या लेंगे वो आपको बताएंगे, नहीं वो सरप्राइज होगा, तो देखते हैं यहाँ से क्या लेंगे। ये वाला बोर्ड आ गया, नया भैया लगाने के लिए आ गए हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर लगेगा, लग गया बोर्ड पूरा ऊपर। ये देखो सार्थक की फोटो के साथ ही आई, फोल्ड होके ना रात को अंदर हो जाएगा दिन में। बस काम कर लिया, अब घर पे जाने की तैयारी है। घर पे क्या, अभी काकू को लेना है, सार्थक को मैंने थोड़े से 2-3 काम भेजे हैं, एक तो टेम्पर डलवाना था फ़ोन का उसने, और उसके बाद फ्रंटियर जाना था, बिस्कुट वगैरह लेने थे। मैंने कहा भाई तू मार्केट का काम कर ले आज थोड़ा सा, और मैं शॉप का काम कर ले, तो भैया नहीं आना था, बोर्ड वाले ने एक बोर्ड लगा दिया बाहर। अभी लाइटिंग लगानी है, लाइटिंग लेने अभी जाऊंगा थोड़ी देर में, दुकान के बाहर लाइटिंग भी लगानी है। और ये सारे मैंने जो नए डिज़ाइन आए हुए थे ना, सारे के सारे वेलवेट वाले,
जो इंडो वेस्टर्न वगैरह बनते हैं सारे डिज़ाइन मैंने यहाँ पे लगा दिया और सारी भैया सफाई करके सेटिंग कर दी है सारी और धीरे धीरे काम सारा सेट हो गया। रावण रावण हूँ मैं। हाँ जी, ये कहाँ से दशानंद रावण बन रहे हो? हाँ, अच्छा सारे इसके कपड़े लेके है वो। ये ड्रेसिंग में ये कहाँ साधक पकड़ाई हो? ये छाती पे पहन रहे हैं, सर पे पहन रहे हैं। कल फंक्शन है स्कूल में, ये इसका पजामा है। पूरी ड्रेस डाल के गेटअप करके रात को निकल जाओ। रावण है, रावण 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 हूँ मैं। ऐसे तेरे को राम क्यों, राम क्यों नहीं बनाया तुझे? राम राम जी कोई बन रहे? राम जी के बड़ी क्लास के बच्चे तो सारे सारे नीचे गिरेंगे। रावण पूरा नीचे तेरे दस सर बन रहे हैं। अच्छा जी, वाह, दस सर बना के पहनेगा। वाह वेरी गुड, तू गिरा होगा नीचे था। चल कोई बात नहीं, रावण भी दो ना, कहते दो दो में दो दे। ये दशहरा अभी क्यों मना रहे तेरे स्कूल वाले भाई? दिवाली आने वाली है, अब तो सब खत्म हो गया। दिवाली पे है दशहरा, दिवाली में दशहरा बना रहे इसके स्कूल वाले, बताओ। फंक्शन रह गया होगा ना, उधार ड्यू रह गया है, ड्यू रह गया होगा दशहरे का फंक्शन। और वो छुट्टी कब होनी है? वेडनेसडे छुट्टी से छुट्टियां। वेडनेसडे कब तक? दिवाली कब की है ये बता। थर्सडे वीरवार को, अब वीरवार को पंगा पड़ेगा भाई दिवाली का। हर बार वीरवार शुक्रवार मेरा जिस दिन पक्का इस मंदिर में बनाया तभी पता चलेगा। अब तूने हेयर कट कराने जाना है? रावण के बाल ज्यादा, तो रावण के बाल तो घुंघराले होते हैं, हिप्पी वाले। हाँ तो छोटे ये क्यों रावण मुकुट पहनते हैं? यहाँ तक बाल होते थे ना पहले, ऐसे पहनने मैं पहन के देख लू। रावण 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 मैं रावण छोटी है ये डोरी, वो मैं यहाँ से तैयार होकर जाएगा। तुम है पहन के जाएगा सारा मेकअप तो मैम करेगी, ड्रेस पहन के जाएगा, ड्रेस डाल के जाएगा पूरी। इसको जल्दी लेके जाना है, फिर सुबह जल्दी उठना पड़ेगा भाई। 5 बजे उठ के सब कुछ ताम झाम करना पड़ेगा। छोड़ के आना पड़ेगा तेरे को 7 बजे छोड़ के आना इसको स्कूल। 8 बजे इसका फंक्शन चालू है मैडम, एक आधा घंटा तो लगाएगी ना हर बच्चे को तैयार करने में। ये क्या सुन रहा हूँ भाई मैं? क्या सुन रहे हो? तूने अपना जो बर्थडे का गिफ्ट किसको दे दिया? अच्छा, अपने बच्चे को दूंगी। माँ पहले अपना नहीं सोचती, अपने बच्चे के बारे में सोचती है। अच्छा। उसको लग रहा है, साथ तो कह रहा है कि मम्मा थोड़ा 2-4 दिन के लिए मुझे दे दो, फिर आके आपको दे दूंगा। मैं क्या, चल इसका दिल कर रहा नया चीज लेने का, तो ले ले भाई कोई बात नहीं। अच्छा, आपको पता है भाई, एक माँ रोटी खाते रहते अपने बच्चे को खिलाते थे, फिर आया फोन ही है। उसमें क्या है, मैंने सीखना था वो ये क्या, 2-3 दिन तो कश्मीर रहेगा। कश्मीर लेके जाना, कश्मीर में ब्लॉगिंग कर लियो भैया, पूरी सारी चीजें दिखा दियो, माता रानी के यात्रा से लेके पूरे कश्मीर का रोज एक ब्लॉग डाल दियो भैया। मैंने हमारे चीज में इसको बोला दूंगी तभी तू ब्लॉगिंग करेगा तो ठीक है, नहीं तो ऐसे तो मुझे तो करना ही था ना। अच्छा, वो ये करेगा वो वाला काम। चलो बढ़िया यार, रख ले तू काम, मैं आके दे देगा वापस है? नहीं देगा तेरा तेरा एप्पल, तेरा एप्पल, तेरे वाला एप्पल, वो वाला एप्पल मम्मी ले लेंगी। अच्छा, वो एप्पल मम्मी ले लेंगी। अच्छा, काले वाला, काले वाला ये ले लेगा। हाँ, मेरे पापा मम्मी के पास तो दो दो फोन है, पहले ही दो दो फोन है। इतने सारे फोन में क्या करूंगी भाई, घर पे शोपीस सजा के रखूंगी। जो रिचार्ज भी कराना पड़ता है सब में, ताना मार मार के लिए कि आप अगर एप्पल में करते तो मुझे भी एप्पल में करना, मुझे भी लेके दो, मैं लेके दो, एप्पल ही है मेरा। अब तू थोड़ी देर शॉप पे चले जा, मैं काकू के कटिंग वटिंग करा के आ रहा हूँ, ठीक है ना? दिवाली का टाइम है, कोई आएगा तो कॉल कर दूंगा। बेचारे शरीफ लाके फटोड़ दे दिया। चल भैया, माँ तो माँ होती है। तो गाइस करते हैं ब्लॉग का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हम कह रहे हैं मेरे को 16 लेना है इसको, मैं अब कुछ ना लेके। अब ये 15 ले लिया इन्होंने, सार्थक ने मेरा 15 उड़ा लिया। अब मैं कह रही 16 आएगा तो नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं लेके देना भाई, ये चीजें बांट देती है। ये बांट देती है किसको? पड़ोसियों की जो बांट दी है, मेरा बच्चा लेके जा रहा है तो क्या करूँ फिर? तो एक बात था, फिर बोला क्यों था तुम्हें? बांट देती है तो क्या भाई, बोला था मुझे थोड़ा पता था, मैं मजाक करते थे, सीरियस हो गए। जॉली ने सही किया या क्या किया भैया, आप बता देना कमेंट्स करके। वैसे तो भैया अपनी चीज अपने बच्चों को दे सकते ही नहीं दे सकते, कोई भी अगर माँ वो कह रहा है काला आप ले लो 12 इसमें करो, मैं नहीं इसमें कर रही, मैं तो भी 16 में करती। कोई भी माँ हो भैया, ये चीज तो भैया बनता बनता। चल तू जा फटाफट बाबू शॉप पे जा, मैं आ रहा हूँ। अब जा रहा हूँ मैं गाइस अब काकू के साथ, थोड़ा सा सामान समूह लेना है, हेयर कट करवाना है उसका, तो कोई कल फंक्शन है, ठीक है जी। कल उसको पूछ के उसके लिए सामान खाने पीने के लिए ले आना जो उसको खाना है भाई। नहीं, सार्थक से तो सामान मैंने सारा मंगा लिया है। अब पता क्या, थोड़ा सा काम ने सार्थक कर लेगा, थोड़ा सा मैं कर लूंगा ना, दिवाली का काम सारा निपट जाएगा। बस शॉप में थोड़ा सा काम रह गया, लाइटिंग लगानी है, लाइटिंग लगाएंगे। अभी लाइटिंग लेने भी जाना है मेरे को, 2-3 काम जाना है, और वहाँ से काम को निपटा के फिर मिलता हूँ आपसे नए ब्लॉग में, नई ड्रेस में।
और मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग में, नए ड्रेस में, रावण रावण। अरे वो मैली हो गई भैया काम कर करके ना, वो तो है ही, तो शॉप पे हर टाइम काम काम काम। रश इतना भाई, रश तिलक नगर में अगर कोई आए ना ना ना, अपने पास और मोबाइल बिल्कुल ध्यान रखना, मार्केट में जा रहे हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। मेरी धोखा हो चुका है भाई, मेरा पर्स हो गया। नहीं अभी एक जने की वो मोबाइल वो निकला है, हाँ लेडीज का मोबाइल निकला, निकल जाती है भाई इस टाइम तो मौका होता है। प्लीज ध्यान रखना केयरफुल, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।